चलिए बात करेंगे रेवाड़ी की। रेवाड़ी में बीते रात गौ तस्करों का गौ रक्षक दल टीम से सामना हो गया, जहां गौ रक्षा दल के सदस्यों ने गौ तस्करों का पीछा किया और दो गौ तस्करों को काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि तीन गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। गौ तस्करों के साथ हुई मुठभेड़ का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गौ तस्कर अपनी बात रखते हुए कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो जिसमें गौ तस्कर पीछा कर रही गौ रक्षा दल की टीम पर पथराव करते हुए भी दिखाई दिए। गौ तस्करों ने गौ रक्षा दल की टीम पर कांच की बोतलें भी फेंकी। वहीं डीएसपी बावल राजेश कुमार ने कहा कि जो तीन आरोपी फरार हैं उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि रेवाड़ी में गौ तस्करी के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। गौ तस्करों को रोकने के लिए गौ रक्षा दल की टीम भी रात में मुस्तैद रहती है। बावल जो कि जो युवा हैं उनको आज एक इन्फॉर्मेशन थी 11-12 फरवरी की नाइट में, और वो जैसे वो यूजुअली वो अपने पेट्रोलिंग में रहते हैं, वो तो वो थे उधर पावटी और हमारे पिछले एरिया में राजस्थान बॉर्डर पे। वहाँ पे एक गाड़ी की सूचना के आधार पे इन्होंने उसको पकड़ा है, और उस गाड़ी में जो है ना कांटा लगाने से उसके टायर फट गए थे, और उस गाड़ी में फिर तीन गायें मिली हैं जो बांध के रखी हुई थी और जिनको कोटपूतली से और लेके जा रहे थे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, और उसमें तीन दो लड़के भी मिले हैं जिनके वो वहीं के पाए गए हैं, और उनसे पूछताछ से तीन नाम और भी आए हैं, तो FIR दर्ज करके वो दो लड़के गिरफ्तार कर लिए गए हैं जिनको आज कोर्ट में पेश किया जाए।